Hello there, this is third lecture of Geography chapter Forest and Wildlife Resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन के बारे में. तो फिर आइए, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर की एंड में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को लॉस पहुंच रहा है. आप लोगों ने इसके बारे में सोचा तो जरूर होगा. इस लेक्चर में हम उन्हीं नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं. टोटल 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को लॉस पहुंच रहा है. पहला फैक्टर है कि अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हमने नेचर को एक रिसोर्स ऑब्टेनिंग ग्राउंड बना दिया है. हम रिसोर्सेस को बिना सोचे समझे यूज करने लगे हैं. हमारे आसपास जो वुड, वाटर, फूड, मैन्योर, रबर, जो भी चीजें हैं, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से ही आई हैं. मतलब कि ये हम ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेस को डिप्लीट किया है. Exactly my point. Second factor है colonial rule. British rule के time पर India में agriculture, mining और railways को बहुत ज़्यादा expand किया गया था, जिसकी वजह से biodiversity को बहुत ज़्यादा loss पहुंचा था. Third factor है need for agriculture. जैसे-जैसे India की population increase हो रही है, food की demand increase हो रही है. अब इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी. क्रॉप्स के लिए हमें एग्रीकल्चरल फील्ड्स चाहिए. जब इसकी शॉर्टेज हुई तो ह्यूमंस ने फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया, जिससे बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा. क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया की 60% लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है? सर, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल, यही हमारा फोर्थ फैक्टर है. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाया जाता है, जिसमें कई विलेजेस डूब जाते हैं और बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है. अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट फैक्टर के बारे में, वो है ओवर माइनिंग. जैसे जैसे ह्यूमंस को पता चला कि कहीं पर बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, उन्होंने उनको एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में कुछ दूसरे रिसोर्सेज जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको डिप्लीट करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल, डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. सो ओवरऑल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट फायर्स, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की बायोडायवर्सिटी डिग्रेड हो रही है. सर, क्या इस डिप्लेशन का पॉवर्टी से कुछ रिलेशन है? अगर पुअर लोगों की बात करें तो विमेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है. विलेजेस में ये विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खाना पकाने के लिए वुड और वाटर अरेंज करना. अब जैसे जैसे ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो विमेन को कभी कभार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, जिससे कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं. सो ओवरऑल एक क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को कंजर्व करना बहुत जरूरी है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 50% फॉरेस्ट डिप्लीट हो चुके हैं और 70% वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट हो चुकी हैं? अगर आपने आसपास कोई भी ऐसी एक्टिविटी नोटिस की है जो बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और सोचिए कि वो क्या एक्टिविटी है, और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए. नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे. Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.